हाय किड्स, अगर आपकी हथेलियों की रेखाओं में जो चिन्ह मैं आपको बताने जा रही हूं वी चिन्ह हैं, तो आप उनसे ये जान सकते हैं कि कहीं आप धन कुबेर तो नहीं बनने वाले। जी हां, पर इसे बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे। देखिए, हर इंसान की हथेली में बहुत सी रेखाएं होते हैं, बहुत से निशान होते हैं, पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। और समुद्र शास्त्र में इन चिन्हों के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, पर यहां मैं इन निशानों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रही हूं। देखिए, कहीं आपकी हथेली में तराजू का चिन्ह तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इस निशान को बहुत ही शुभ मानता है कि जिसके हाथ में, जिसकी हथेली की रेखाओं में तराजू का निशान बना होता है, उसका जबरदस्त लक्ष्मी योग होता है। ये निशान वाला इंसान, इसकी जिंदगी में धन की और संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, और कई बार तो ऐसा निशान लेकर पैदा हुआ बच्चा अपने आप में ही धन कुबेर का मालिक होता है। दूसरा जो निशान मैं आपको बता रही हूं वो है त्रिशूल के चिन्ह का निशान। अगर आपकी हथेली में इस तरह का कोई निशान है तो समझ जाइए, क्योंकि इस निशान वाला इंसान बहुत ही परोपकारी होता है, धनवान होता है, गुणों की खान है वो, और उसके लिए जबरदस्त प्रसिद्धि भी है। तीसरा जो निशान मैं आपको बता रही हूं वो है कमल के चिन्ह का निशान। आप सभी जानते हैं कमल का निशान जो है, कमल का चिन्ह है, ये भगवान विष्णु का और मां लक्ष्मी का है। और अगर किसी की हथेली में ये चिन्ह है तो समझिए उस इंसान के जीवन में धन की कमी का कोई योग कभी नहीं होगा, और उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।